मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपको एथलेटिक्स इवेंट का हिस्सा जो है मैं शॉर्ट पुट के बारे में बताऊंगा। शॉर्ट पुट का मार्किंग इसका फील्ड क्या है और आपका ये शॉर्ट पुट की साइज क्या है। ये जो आप ग्राउंड इसका ये जो मेजरमेंट देख रहे हैं आप इसका शॉर्ट पुट का जो इसकी सर्किल है शॉर्ट पुट का। शॉर्ट पुट पे जब हम कोड बनाते हैं शॉर्ट पुट के लिए तीन चीज की जरूरत पड़ती है, जो कि एक गेम की जरूरत पड़ेगी, दो से तीन गेम की जरूरत पड़ेगी, एक गेम और चुने की जरूरत पड़ेगी। हम सेंटर पे एक गेम को इसके पास लगाएंगे, लगाने के बाद इसको हम एक मीटर 6 सेंटीमीटर हम लेने के बाद उसे हम सर्किल करेंगे। सर्किल करने के बाद मेरा सर्किल कम्प्लीट हो गया। सर्किल कम्प्लीट करने के बाद मुझे एक तिरछी लाइन लेनी दोनों साइड जो कि 20 मीटर की होगी और ये जो आर्च है जो ये आर्च है इसे हम 12 मीटर 10 मीटर 6 मीटर हम अलग अलग आर्च बनाएंगे जो इवेंट जो लेयर होगा उसे थ्रो करके कितने मीटर तक वो फेंक सकता है। जो आप ये देख रहे हैं स्टॉप बोर्ड इसे स्टॉप बोर्ड बोलते हैं और जो साइड की लाइन जो सर्किल के बाहर जो लाइन बनी हुई है ये 7.5 सेंटीमीटर की होती है। इसको बोलते हैं इंडिकेटर लाइन। इंडिकेटर लाइन ऐसा है कि जब प्लेयर अंदर जाता है शॉर्ट पुट के लिए थ्रो करने के बाद वो इंडिकेटर लाइन से बाहर निकलेगा, नहीं इधर से निकलता है तो उसे फाउल मारा जाता है या कि स्टॉप बोर्ड से ऊपर चला गया या बाहर चला गया वो फाउल हो जाता है। ये जो सर्किल की साइज है हम सर्किल जो ले रहे हैं 1 मीटर 6 सेंटीमीटर समथिंग है और आप पे ये सर्किल बनाने के बाद 20 मीटर हम ये लंबाई लेते हैं, हल्का आर्च लेते हैं, फिर इसके बाद ये जो आर्च आप देख रहे हैं ये 6 मीटर 10 मीटर और 12 मीटर में है। जो ये गोले की साइज है अलग अलग गोले की साइज होती है वो कहें तो ये गोल बीजी और मैंने 7 kg 36 ग्राम होता है और इसके हम जितने भी अलग अलग इवेंट के जो अलग अलग वुमेन और मैन के जो भी शॉर्ट पुट इवेंट होते हैं जब अंदर जाते हैं इसकी पोजीशन हम कलाई हमेशा जो रेस्ट का पोजीशन लेते हुए हम गोले को रखेंगे। गोले को हम कहाँ से करेंगे, हम इंडिकेटर के बाहर से हम गोला लिए शॉर्टपुट के लिए शॉर्टपुट लेने के बाद हम इन करने के बाद हम इसे यहाँ से शॉर्टपुट को जिस पोजीशन पे आपको करना है हम वो पोजीशन आपके इमेज करके मैं भेजूँगा उसको आप देखिएगा। वो शॉर्टपुट अंदर लेके हमें स्टॉप बोर्ड से बाहर ही हमें इस सर्किल से बाहर ही हमें थ्रो करना है। थ्रो करने के बाद हमें यह कि आपकी इस आज के बाहर गया इस लाइन से बाहर गई वो फाउल होना जाएगा। तो इसी तरह ये जो आपको है जो हमने ये मार्किंग जो हमने ये डायग्राम बनाया है उसे एक कॉपी में आपको बनाना है और इसे कंप्लीट करना है।